एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को न केवल लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी है, बल्कि सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है और वायुसेना के अधिकारी के अधीन बनने वाली इस कमांड की रूपरेखा पर तेजी से काम भी हो रहा है। बता दें, इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स के साथ किया जाना प्रस्तावित है और इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। इस कमांड को बनाने का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। फिलहाल प्रत्येक सेना का अपना खुद का एयर डिफेंस सेटअप है, जबकि एयर डिफेंस कमांड वायुसेना, थल सेना और नौसेना की वायु रक्षा परिसंपत्तियों को एकीकृत करेगा और संयुक्त रूप से देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा करेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो इससे न केवल तीनों सेनाओं के एयर डिफेंस में अच्छा तालमेल बैठेगा, बल्कि किसी भी विपरीत स्थिति में एयर डिफेंस कमांड तुरंत जवाब देने में भी सक्षम हो जाएगा। हालांकि CDS ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कमांड को संचालित करने के लिए 3 स्टार पर कोई अतिरिक्त पद का सृजन नहीं होगा और इसे मौजूदा संसाधनों से ही तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि इस संबंध में IAF के 22 चीफ एयर मार्शल HS अरोड़ा ने एक अध्ययन किया था, जिसमें तीनों सेवाओं की परिसंपत्तियों के साथ प्रस्तावित कमांड की संरचना का भी सुझाव दिया गया था। जबकि सैन्य मामलों के विभाग ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत के तहत थिएटर कमांड के साथ संयुक्त सैन्य कमांड बनाने के लिए आदेश दिया था। इसके अलावा CDS संयुक्त समुद्री कमांड को बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इसकी स्थापना कोच्चि या करवार में हो सकती है। इसी बीच देश के वायु क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इजराइल और रूस से 2 नए फॉल्कॉन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेज दिया गया है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है।